यहाँ तक देखा था आपने लास्ट एपिसोड में मार्कस के, जहाँ पे मैंने कहा था मार्कस मरा नहीं है, उसका सामना अभी होने वाला है कॉनर से। और अब आप देखेंगे आगे। It took me a while to find you, Marcus. यह ऑप्शन आया था चूज कर रहे कॉनर या फिर मार्कस को। मार्कस ऑलरेडी एक बार कॉनर को गोली मार चुका है, आप एंडिंग देख चुके हो कॉनर की। सो मैंने यहाँ पे चूज किया कॉनर के साथ खेलना, क्योंकि एक ही कैरेक्टर की मैं बार बार डेथ नहीं करा सकता। That's why. बहुत ही बुरी तरीके से कॉनर यहां पे मार्कस का कर दिया बस। और उस पर भी माना नहीं भाई साहब ने ठोका गोली भेजे में। और मार्कस अकेले नहीं था, वो पता है महबूबा थी उसकी, मिस नॉर्थ, वो भी यहां पे जाके कहीं छुपी हुई थी जिसको कॉनर खोज रहा था। और फाइनली उस तक पहुंच भी गया खोजते खोजते, जहां पे नॉर्थ ने कुछ बातें की, कुछ उपदेश दिए कि क्रांति रुकेगी नहीं, मैं चाहूंगी कोई और आएगा, ये सब फलाना डिमाका। My mission is to neutralize the leader of the deviants and I always accomplish my mission. We fought for our dream and we lost. You can't hold my people down forever. One day we'll rise up again and we will win. Go on. Shoot. What are you waiting for? फिलहाल से मारने का ऑप्शन आया तो मैंने चूज किया ना मारने का। रीजन ये था कि मेरा मिशन इसको मारना नहीं था, नॉर्थ को। और वैसे भी अगर मैं पूरी मशीन की तरह खेल रहा हूं तो फिर नॉर्थ को मारना तो बनता ही नहीं है ना। And now straight over to Detroit for a report on the conflict. President साहब आके क्या बोलती है वो थोड़ा ध्यान सुनना। ये कहती है, एक मिनट में पॉज करता हूँ। ये कहती है कि जो मशीन है हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हमने खुद से ज्यादा इंटेलिजेंट चीज को बना दिया है, इसलिए थोड़ा ध्यान सुनना ये बात, ठीक है, जो यहाँ से बोलने वाली है यहाँ से। By creating machines more intelligent than ourselves, we took immense risks with the very future of our civilization. However, the situation is now under control. The total destruction of all androids will soon be complete. All right. तो ये फैसला लिया जाता है कि जितने भी androids हैं, उन्हें खत्म कर दिया जाए, बाकी जो भाग गए यहाँ पड़े हुए उनको भी दबोच के destroy. यानी कि अब no android. अब यहाँ एक छोटा सवाल रह गया है RA9 को लेके। Actually इसकी बहुत सारे theories हैं। जब कॉनर मारता है क्लोई को, अगर ऑप्शन में आपको क्लोई को मारने का आता, क्लोई को मार देते हो तो आप कोई एक सवाल पूछ सकते हो कैम्सकी से। और जब RA9 के बारे में पूछते हो तो वहां पे मिस्टर कैम्सकी बताते हैं कि RA9 कुछ नहीं, बस एक रेफरेंस है मसाया को लेके, यानी कि मसीहा को लेके। उनके जो वो एक मानते हैं एंड्रॉइड से मानते हैं कि कोई है जो उनको सही राह दिखाएगा, उनको सही रास्ते पर लेके जाएगा, आजाद कराएगा, वही है RA9 उनका। लाइक हम अपने गॉड को अलग अलग को मानते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं अपने अलग अलग तरीके से, उनके अलग अलग नाम मानते हैं, ठीक। तो एंड्रॉइड वैसे ही उनको RA9 बुलाते हैं, उनके लिए वो ऑफरिंग, उनको
चढ़ावा भी करते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। लाइक आपने देखा होगा एक जगह पे जहाँ पे एक छोटी स्टैचू मिली थी हमें, आर्यन जहाँ लिखा था वहाँ, वहाँ उसके नीचे एक स्टैचू मिली थी। तो ये वो मानते हैं। प्लस कैम्स्की ये भी बताते हैं यहाँ पे कि जो ये डेवियंसी है फैलता कैसे है, ये एंड्रॉइड्स के आपस में जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। लाइक आपने कई जगह देखा होगा जब कोई एंड्रॉइड कोई बात बताना होता है या फिर कोई जानकारी देनी होती है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, वह इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो इस तरह से डेवियंसी स्प्रेड भी करती है। अब पहला कौन था जो डेवियंट था या फिर पहला कौन था जो जिसके अंदर डेवियंसी के थोड़े बहुत लक्षण मिले थे, वो थी कारा। बहुत पहले आपने वो क्लिप यहाँ पे गेम के अंदर नहीं है, कारा जब बनाई जा रही थी, जब कारा मैन्युफैक्चर की जा रही थी तो वहां पे उससे एक सवाल पूछा जाता है। तो वहां पे उसको यकीन नहीं होता कि मैं एक मर्सिडाइज की तरह हूं, मैं सेल होने वाली हूं। तो वो बोलती है अपने क्रिएटर से कि मैंने सोचा कि, तो फिर वो बोलता है कि तुमने सोचा। वहां पे थोड़ा सा हिंट मिलता है कि शायद कारा ही है जो पहली जो जागृत होती है अपने वजूद से। तो इतनी सी बात थी आर ए नाइन को लेकर, और अभी भी पूरी तरह क्लियर कहीं भी आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले जागृत हुआ उसको लोग, कुछ लोग कारा को बोलते हैं, कुछ लोग जो रास्ता दिखाएगा, कुछ लोग मार्कस को भी बोलते हैं, कुछ लोग कॉर्नर को भी बोलते हैं। तो अपने अपने रूप में है। अब बहुत सारे इसके अपने गेम के बहुत सारे अलग अलग एंडिंग्स, अलग अलग स्वरूप है, आप जिस तरह चाहे बना सकते हैं। तो आरएनएन आप जिसको चाहो मान लो, लेकिन एंड्रॉइड सिनेजर में उनका एक मसीहा है जो उनको सही रास्ते पर लेके जाए। For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? John. My name is John. Delighted to meet you, John. Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks like cooking, housework, or managing your appointments, for example. Hmm. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. And, you know, they have something I could never have. Really? And what's that? A soul. तो ये था डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन। मैं गेम अनइंस्टॉल कर चुका हूँ, अब इसके बाद कोई वीडियोस के ऊपर नहीं आने वाली है। अब नई कहानी का शुरुआत करने का वक्त आ गया है। सो सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, हैव फन, लव यू, बाय।